गाइस, हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं आप? तो मैं तो बना रही हूँ किचन में खाने का सामान, जो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो गाइस, मैंने देखो, मैं लगवाया था आज कांच, तो ये देखो, ये कांच नहीं था, टीवी के ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने ये आज ये सारा ये लगवाया है। और बताती हूँ, और गाइस एक कांच ये लगवाया है सामान वामान रखने के लिए, और मैंने तो गाइस इसकी थोड़ी तो ये तो आप देख ही रहे हो, और ये देख रहे हो मेरी हालत, थोड़ी लुकिंग बना दी हमने, ये मेरी हालत देख रहे हो। तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, चलो ऊपर दिखाओ, और ये हमने डला दिया, लेकिन इसे बंद कर लिया। तो गाइस ये मैं बना रही हूँ पकौड़े, अब पकौड़े बना किस चीज़ की रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस मैंने सुबह आलू उबाले थे पराठे के लिए, तो आलू कुछ ज़्यादा उबल गए तो वो हो गए पतले, तो पिट्ठी मतलब पराठे के हिसाब से नहीं बन पाई। तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें आलू फोड़ के अरारोट मिला के थोड़ा सा अरारोट गिरा, थोड़ी सूजी गिरी, पत्ता गोभी गिरी, मिर्च मसाले गिरे, तो मैं इसके बना रही हूँ पकौड़े। तो गाइस इसके पकौड़े करारे निकलेंगे और बहुत बढ़िया निकलेंगे, अभी पहली बार बना रही हूँ आज। आज मैं ऐसे पकोड़े पहली बार बना रही हूँ, देखते हैं, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। कोफ्ते टाइप हो गए ना, जैसे कोफ्ते होते हैं ना, मैंने सोचा ये गल गया, नहीं गला ये। ये बने पकौड़े और ये मेरी बनी गुड़ की चाय। तो गुड़ की चाय मैं गैस पे नहीं उतार रखते, दूध नहीं डालते हैं, ताकि ना मतलब फट जाती है। तो मैं पहले करूँगी थोड़ा दूध गरम, दूध हल्का सा गरम करके फिर मैं इसमें डालूँगी, ताकि ना चाय बिल्कुल हमारी ठंडी ना हो। तो मेरा बेटा खाने के लिए देखो ये लेके आया, पता नहीं यार क्या क्या लेके आता है। तो देखो ये अपने लिए लेके आया वो खाने के लिए, और मैंने सोचा पिट्ठी तो पतली हो चुकी है, तो आलू में तो पराठे में तो ये भर ही नहीं जाएगी, तो मैंने कहा चलो इसको कामयाब करते हैं। सब्जी भी नहीं बन सकती थी क्योंकि ज़्यादा फोड़ लिए थे मैंने। अब ये पहली बार मैंने बनाया है, अब देखो खा के पता चलेगा ना कैसे बना है। ये मेरे को किसी ने बताया था कि अगर बाई चांस तुम्हारे पराठे के टाइम पे अगर आलू पतले हो जाए तो उसका करना क्या है, तो उसका यही करना है कि कोफ्ते टाइप बनाओ, पत्ता गोभी डाल के और चटकारे लेके हरे धनिया की चटनी से। पर आज धनिया मेरा ख़त्म हो चुका है गाइस। तो गाइस देखो ये कैसा लग रहा है ना, अभी इसमें छोटे छोटे गमले लेके आऊँगी, छोटे छोटे डेकोरेट का सामान लेके आऊँगी जो मेरा, और ये जो जाल दिख रहा है गाइस इसका भी इंतजाम करना है। हरी वो लगा के प्लास्टिक आती है, वो हरी प्लास्टिक उसको लगा के फिर ये पत्ते लगा देंगे, तो डेकोरेट का थोड़ा सा अच्छा लगेगा जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ के लिए मैंने एक स्टैंड मंगवाया है, यहाँ पे मैं एक स्टैंड लगाऊंगी, उसके ऊपर मैं छोटे छोटे पौधे के गमले यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण आती है अच्छे से, तो ऊपर तो बंदर छेड़ते नहीं हैं। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का अच्छा बन जाएगा, और ब्लॉग बनाने का रीज़न ये ना कि कहीं और मैं कर नहीं पाती, बस एक यही है मेरा, ऊपर बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये जो मैंने पहना है, ये मैंने इसलिए पहना है ताकि है ना मेरा ये स्वेटर गंदा ना हो और छींटे ना आए, तेल उल की सब छींटे आती हैं। और गाइस ठंड तो पूछो मत ना, शिमला का ठंड हो रहा है, ये देखो ठंडी इतनी हो रही है, बेहिसाब ठंड हो रही है। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में, या तो मिलते हैं शाम को या फिर ब्लॉग में मिलते हैं। तो इसी ब्लॉग को करते हैं आई एंड। और गाइस अपने घर पे भी ट्राई करना, अगर आलू पिट्ठी आपकी पतली हो जाती है बाई चांस, आप आलू पराठ मतलब रोटी में नहीं भर पाती हो,
आलू ज्यादा उबल जाते हैं तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। थोड़ा सा अखरोट मिलाना उसमें, थोड़ी सूजी मिलाना। आपके पास पालक हो या आपके पास मेथी हो या आपके पास पत्ता गोभी हो, उसको पतला पतला काट के आप पकौड़े टाइप में बना सकते हो। पकौड़े टाइप में बना लिया फिर उसकी सब्जी भी बना सकते हो। जैसे हम लोग घिया की कोफ्ते की सब्जी बनाते हैं, दाल के बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ऐसी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मेरा ब्लॉग और मेरा बताने का ज़रिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।